पेट संबंधी सभी रोगों के लिए जबलपुर के सुप्रसिद्ध पेट एवं मोटापा रोग विशेषज्ञ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर के वर्मा प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को दमोह में मिलेंगे। समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। मिलने का पता महाकौशल मेडिकल स्टोर्स, 3 गुल्ली चौराहा, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। दमोह जिले में साल 2021 में एक जैन मंदिर में हुई चोरी के मामले में चोरी का आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। इस आरोपी पर 3,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभिरक्षा में उसकी मौत हो गई। इस मामले पर पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी है। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत आने वाली केरबना चौकी के खड़ेरी ग्राम में स्थित जैन मंदिर में साल 2021 में एक चोरी की घटना हुई थी। इस चोरी की घटना में नरेंद्र सिंह लोधी पिता नत्थू सिंह लोधी को चोर के रूप में पहचाना गया था। घटना के बाद से नरेंद्र दमोह जिले से फरार था, जिसकी खोज करने के लिए पुलिस के द्वारा उस पर 3,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि नरेंद्र गुजरात राज्य के सूरत में है, जिसके बाद केरबना चौकी के पुलिस बल द्वारा सूरत पहुंचकर दबिश दी गई और नरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। दमोह लौटते वक्त रास्ता लंबे होने के चलते यह लोग होटल में रुक गए। वहीं आरोपी नरेंद्र के द्वारा खिड़की से कूदने के चलते उसके सिर में गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के बाद सब को गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश के बटियागढ़ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम गुगरा कला लाया गया, जहां पर मृतक आरोपी नरेंद्र लोधी का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं टीम में शामिल एक एसआई सहित 2 पुलिसकर्मियों को कार्य में लापरवाही के चलते पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित किया गया है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने हमें जानकारी दी। वर्ष 2021 में 30/12/2021 को थाना बटियागढ़ में एक रिपोर्ट हुई थी, जिसपे जैन मंदिर में चोरी हुई थी और ढेर सारा सामान उससे गया था। उस चोरी पे मुकदमा कायम हुआ था और चूँकि उस वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिससे आरोपी चिन्हित हो गया था और आरोपी का नाम नवेंद्र लोधी करके सामने आया था। तो ये आरोपी जो है गुगरा कला का था और ये फरार हो गया, तभी से फरार चल रहा था। तमाम फरार अपराधियों की तरह इस पर भी इनाम घोषित किया गया था। ये आरोपी की लोकेशन जब मिली थाने को, जब मिली साइबर के माध्यम से जानकारी मिली, तो फिर परमिशन के साथ इन पूरी टीम को भेजा गया वहाँ पे। इन्होंने काफ़ी प्रयास करने के बाद इसको ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद इसको बाथरूम वगैरह के हिसाब से इसको अपने होटल के कमरे में ले गए थे। उस दौरान इसकी हथकड़ी खोल के बाथरूम में भेज दिया था और जहाँ पे गया तो इसने जो है वहाँ से निकलते हुए इसने भागने का प्रयास करते हुए इनको धक्का देकर छलांग लगा दी और अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि कितनी ऊंचाई से छलांग लगा रहा है। तो उसको गंभीर चोटें आईं, जिस पर से थाने द्वारा जो स्टाफ गया था थाने का, जिसमें सब इंस्पेक्टर गायकवाड़ थे, उन्होंने तत्काल इसको मैंक हॉस्पिटल में एडमिट कराया और मुझे सूचना दी, जिस पर मेरे द्वारा स्थानीय DCP और अधिकारियों से बात की गई और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था कराने के साथ ही साथ मेरे द्वारा इनके परिजनों को थाना प्रभारी को भेजकर अवगत कराया गया। परिजनों को पुलिस अधिकारियों के साथ जो है घटना मतलब सूरत भिजवाया गया। सूरत में रहने वाले इनके रिश्तेदारों को भी बुलवाया गया, सभी लोग पहुँचे वहाँ पर और उनके सामने सारी कार्रवाइयाँ जो सम्पन्न होती रहीं। इसी बीच इलाज चलता रहा, लेकिन 12 तारीख की सुबह नरेंद्र लोधी की डेथ हो गई। डेथ के बाद जो है उसका PM जो है 13 तारीख को हुआ। 13 तारीख को PM के बाद शव लेकर यहाँ आए और आज पहुँचे और उसका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन चूँकि मैं जब भी हम कोई कैदी गिरफ्तार करते हैं तो यदि वो हवालात में नहीं है तो उसको हथकड़ी लगाए रखना चाहिए। बलमनसाहत में इनके द्वारा जो त्रुटि की गई, इसके आधार पर हमने 3 लोगों को निलंबित किया है। और चूंकि इस मामला पूरा मामला सूरत में घटित हुआ है, तो जो कुछ भी कार्रवाई होनी है इस मामले को लेके, वो सूरत पुलिस और सूरत में जो भी जांच एजेंसी है, न्यायिक जांच एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही होगा।
संपूर्ण कार्रवाई वहाँ भी होगी। अगर यहाँ पे भी कोई आरोप पत्र आरोप लगा रहा है तो उनको अपनी बात जो है कहने के लिए सूरत जाना चाहिए, और जो कोई भी इसमें साक्ष्य प्रस्तुत करेगा उसकी हम सहायता भी करेंगे। और इसके अलावा इस मामले में और कोई विशेष नहीं है। इस सब इंस्पेक्टर का एक वार्ड और उनके साथ दो गए नीलेश और रमाकांत साहू, दो आरक्षकों को निलंबित किया गया है। परिजनों ने कुछ आरोप लगाए हैं, सही बात है, लेकिन ये उनका अधिकार है क्योंकि उनके परिवार से कैजुअल्टी हुई है। लेकिन हमने जो है अपनी तरफ से जो भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई उसके बाद से न तो कोई बात छुपाई अपितु जितना सहयोग करना था सहयोग किया। तो और बाकी उनके जो भी आरोप हैं इसका उत्तर देने के लिए वो स्वतंत्र हैं, जब भी सूरत में बुलाया जाएगा वो जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं।